इंदौर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ खुद को टीवी एक्टर बताने वाले नीरज पांडे नाम के एक शख्स ने शादी का झांसा देकर एक 21 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की के साथ 3 साल तक रेप जैसे घिनौने जुर्म को अंजाम दिया। पीड़िता हैदराबाद की रहने वाली है। नीरज उसे इंदौर बुलाता और फिर अलग अलग होटलों में ले जाकर उसके साथ रेप करता। इतना ही नहीं, 3 साल के अंदर नीरज ने पीड़िता से कम 25 लाख रुपए भी ऐंठे हैं। जब लड़की ने शादी की बात छेड़ी तो नीरज ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद लड़की ने उसके खिलाफ महिला थाने में जाकर केस दर्ज करवा दिया। थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के अनुसार नीरज और इस लड़की की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। नीरज की फोटो और पोर्टफोलियो को देखकर लड़की उससे शादी करने का मन बना बैठी थी। नीरज जब भी लड़की को मुंबई बुलाता तो उससे फ्लैट खरीदने के लिए पैसे मांगता। लड़की ने उसकी मदद करने के लिए उसे अपनी ज्वेलरी भी दी थी, जो नीरज ने कुछ ही दिनों में बेच डाली। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और नीरज से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।